और आजकल बच्चे कह रहे हैं प्रिपरेशन पहले हो जाए, सिलेक्शन हो जाए, फिर शादी करेंगे, तो उस पे क्या कहना है आपका? 40 साल के हो जा रहे हैं, माँ बाप कह रहे हैं शादी कर लो, वंश आगे बढ़ाना है, बट हो सकता है। मैंने मोस्टली अपनी तैयारी यूट्यूब के थ्रू ही की है और टेलीग्राम के थ्रू की है। तो उन रिसोर्स अपने बारे में बताएं पहले। मेरा नाम दिव्या है जी। ये मेरा फोर्थ अटेम्प्ट था और ये मेरा फर्स्ट मेंस और फर्स्ट इंटरव्यू था। ओके, पिछली बार से अब इस बार का लग रहा है कि आपने बेस्ट अपना दिया है? इंटरव्यू तो मेरा फर्स्ट था, तो ऐसा इतना कंपैरिजन करने के लिए है नहीं, वो मैं आज से पता चलेंगे। बाकी प्री तो जब क्वालिफाई किया तो प्री तो मतलब स्ट्रेटजी वगैरह थोड़ा चेंज की तब हुआ। ओके, आपका मीडियम क्या रहा है? इंग्लिश मीडियम। बोर्ड किसका था और कितने मिनट आसपास चला लगभग? मेरा हरेश प्रताप सिंह जी का बोर्ड था। मैं 12:43 पे अंदर गई थी और 1:18 पे मैं बाहर आई हूँ। अभी आप ऐसे एस्पिरेंट हैं या कुछ जॉब प्रोफाइल भी है? नहीं, मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ, बट ज्यादातर प्रिपरेशन पे ज्यादा ध्यान है। ओके, अगर कंफर्ट हो आप और आप बताना चाहें तो वो क्वेश्चन बताएंगे क्या पूछा गया? उन्होंने सुसाइड पे पूछा कि आजकल इतने पढ़े लिखे लोग हो गए हैं तो फिर सुसाइड कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। ओके, एक उन्होंने इंसिडेंट बताएंगे, एक लड़की फोन पे बात करते हुए कूद गई अपने फ्रेंड से, तो ये क्यों कर रहे हैं। और आजकल बच्चे कह रहे हैं प्रिपरेशन पहले हो जाए, सिलेक्शन हो जाए, फिर शादी करेंगे, तो उस पे क्या कहना है आपका? 40 साल के हो जा रहे हैं, माँ बाप कह रहे हैं शादी कर लो, वंश आगे बढ़ाना है, बट वो नहीं मान रहे, तो उस पे क्या कहना है? दूसरे उन्होंने अभी इलेक्शन कमीशन के चेंजेस भी पूछे कि जो चेंजेस आए हैं। दूसरे हॉबी पूछी तो मैंने मूवी बताया, तो उन्होंने फेवरेट डायरेक्टर, फेवरेट मूवी डायरेक्टर, उसकी मूवीज और ऐसे सवाल पूछे। एक ने बिल्कुल सिचुएशन, एक लोगों ने भी मूवी पे पूछा, उन्होंने मुझसे एक मूवी पूछी, मुझे आते पता नहीं था वो मूवी, फिर उन्होंने स्टोरी बताई, उसके बाद मुझे कंपेयर करने को बोला कि आप क्या करना चाहेंगी या आपके क्या थिंकिंग है। और ऐसी सिचुएशन कुछ रखी गई कि आपको अगर ये अफसर बना दिया जाए, एसडीएम बना दिया जाए, तो जो विकसित भारत का लक्ष्य है उसको पूरा करने के लिए आप क्या करेंगे? मैम, एक कॉमन क्वेश्चन, जितने भी एस्पिरेंट को मैंने अभी इंटरव्यू किया, कुछ न कुछ सिचुएशन वो लोग दे रहे हैं, आपको क्या लगता है कि ये पर्सनालिटी चेक करने का ये कौन सा तरीका है? क्या चेक करना चाहते हैं? पर्सनालिटी चेक करने का है। उसमें क्या चेक करते हैं, क्या लगता है? ये ऐसा उनको भी पता है कि आगे चल के सब सीख लेते हैं, डिसीजन मेकिंग, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक करते हैं कि आप तुरंत से क्या जवाब दे रहे हैं, आप जवाब सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। आपके एथिकल ओरिएंटेड कितना टचअप था उनका? मेरा एथिकल ओरिएंटेड तो अभी मुझे याद नहीं आ रहा, बट आगे स्थान है, उन्होंने मेरी वीकनेस पूछी थी। ओके, तो मुझे लग रहा था कि अगर मैं इमोशनल बताऊंगी तो वो पूछेंगे मुझसे एथिक्स पे सवाल की, तो मैं इमोशनल इंटेलिजेंस उनको करती, बट उन्होंने पूछा नहीं एथिक्स पे, यही सोसाइटी पे, सोशियोलॉजी पे चलता रहा। करंट में ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट का जो इशू चल रहा है वो उन्होंने पूछा कि एग्जिट एक्शन क्यों नहीं लग रहा है, तो ये मैं बहुत अच्छे से जवाब नहीं दे पाई थी, लेकिन करंट में उन्होंने यही पूछा। और जो नए लॉज बने, क्योंकि मैं लॉ से थी, आपका एक लंबा एक्सपीरियंस रहा इसका और आपने बहुत कुछ सीखा इस जर्नी से, उन एस्पिरेंट के लिए क्या है जो 2024 को टारगेट कर रहे हैं, आपने डिजाइन कैसे करे वो तैयारी का? करंट अफेयर्स बहुत आता है, करंट अफेयर्स पे फोकस करिए। मेरी यही प्रॉब्लम थी कि मैं स्टैटिक पे ज्यादा फोकस करती थी, करंट अफेयर्स पे नहीं फोकस करती थी। मेरे भाई ने बताया कि करंट पे फोकस करो तो हो जाएगा। उन्होंने क्या बताया करंट पे क्या पढ़ना है? कर चुके हैं। अच्छा, क्या वो क्या है? वो ईओ है, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो मैं पीसीएस भी कई बार क्वालिफाई किया है। अच्छा, एटलीस्ट। ओके, एक इनसाइट ये देख, जब आप करंट अफेयर को टैकल करते हैं, आपके सामने न्यूज़पेपर होता है या फिर मंथली मैगजीन होती है या एक साल का वार्षिक आपका पूरा रहता है, उसमें से हमें चुनिंदे कुछ ही पॉइंट चाहिए होते हैं। ये जो चुनिंदे पॉइंट होते हैं जो हमें कलेक्ट करना होता है, ये कैसे आइडेंटिफाई करें? क्या प्रीवियस ईयर को देख के ही पता चलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं? प्रीवियस ईयर एनालाइज कर लेंगे तो पता चल जाएगा, नहीं तो फिर वेस्ट, जो मतलब जो इररिलेवेंट न्यूज़ है उन पे भी ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है, तो प्रीवियस ईयर तो बहुत जरूरी है। जो ट्रेंड को देखते हुए पिछले कितने साल का देखना चाहिए पीवाई? पीवाई के तो आप 10 साल का भी देख सकते हो, लेकिन 5-6 साल एनफ होता है, मिनिमम 5 इयर्स। और बाकी आप पीवाई के आप 10 साल का भी देखो, क्योंकि सेम क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, 4-5 क्वेश्चन वो वही ट्रेडिशनल वाले चले आ रहे हैं, साइंस वाले की कौन सी बीमार, कौन सी कमी से क्या होता है, ये सब रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। जब इंटरव्यू हॉल में जाती है उससे पहले आपके अंदर क्या चल रहा होता है, क्योंकि आप चौथा अटेम्प्ट आपका और पहला इंटरव्यू था, बहुत सारी बातें चल रही होंगी, क्या नर्वसनेस था, क्या सोच रही थी आपकी, कैसे मुझे जवाब देना, कैसे डिजाइन करना अपने आंसर को? मैं तो मुझे मेरा तो नर्वसनेस ही हो रहा था कि अगर उन्होंने सेक्शंस में चले गए तो आते हुए भी कंफ्यूजन हो जाता है कि 302 है, 303 है, क्या है। मैम, अपने बारे में पहले बताएं आप।
मेरा नाम करुणा शर्मा है, ये मेरा लगातार तीसरा प्रयास, तीसरा मीन्स और पहला इंटरव्यू है। सिचुएशन क्वेश्चन में मुझसे ये पूछा गया था कि अगर आप अगर एक महिला सरपंच है और उनके उनके द्वारा काम न कराकर उनके पति के द्वारा जिस सरपंच पति का चलन है वो अगर हो रहा है तो आप कैसे इसको डील करेंगे, आप उनके पति को जाके क्या समझाएंगी जिससे उनको काम करने के लिए वो दें। और अभी लक्षद्वीप मालदीव से रिलेटेड जो विवाद चल रहा है उसके रिगार्डिंग, और यूपी में क्यों इतना इन्वेस्टमेंट आ रहा है, क्या यूपी इतना अच्छा अचीव किया है, आपको क्या लगता है, आपके बारे में ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चंस थे। ओके, और सिचुएशन में आपको भाई रखा, कोर्स है, कोर सब्जेक्ट? कोर सब्जेक्ट मेरा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग था, तो उसमें थोड़ा सोलर से रिलेटेड क्या योजनाएं हैं ये इतना क्वेश्चन। तो प्री के ओरिएंटेड मैम क्या कहना चाहेंगी, प्री कैसे? प्री के ओरिएंटेड मुझे लगता है कि जो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है वो और करंट अफेयर को थरली आपको करना चाहिए, और टेस्ट सीरीज का बहुत मुझे महत्व लगता है करंट अफेयर में। जितनी आप टेस्ट सीरीज हद से हद हो सके 30 टेस्ट तो आपको लगाने ही चाहिए, और उसको रिवाइज करना। टेस्ट सीरीज को सिर्फ लगा लेना इज नॉट इनफ, आपको टेस्ट सीरीज में जो क्वेश्चन नहीं आए हैं वो आपको बार बार रिवाइज करते रहना चाहिए, इससे बहुत मदद मिलती है। बहुत लड़कियां जो गाँव से आपको देख रही है या फिर वो बाहर अगर नहीं आ पा रही या तो फाइनेंशियली या फिर सोशल इशू की वजह से, उनके लिए क्या मैसेज है? उनके पास पैसे अफोर्ड करने के लिए नहीं है तो क्या लगता है कि वो गांव से रह के तैयारी कर सकते हैं यूपीपीसीएस की? हाँ, मुझे लगता है जब से ये जो यूट्यूब इतना रिवोल्यूशनाइज हुआ है और जियो के थ्रू हुआ है, तो आपने फोन लेकर थोड़ा सा अपने परिवार वालों से रिक्वेस्ट करके आप यूट्यूब के थ्रू तैयारी कर सकते हो। मैंने मोस्टली अपनी तैयारी यूट्यूब के थ्रू ही की है और टेलीग्राम के थ्रू की है। तो उन रिसोर्सेज को थोड़ा सा मैम अगर बता पाए, चैनल मैंने यूट्यूब एक स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज करके चैनल में करंट अफेयर अपना सारा वहां से कंप्लीट करती थी, और बेसिकली जो टाइम टाइम पे अलग कोचिंग सेंटर्स अपने मटेरियल निकालते रहते हैं, मैं उनके उनका असिस्टेंस लेके मैं पढ़ती रहती थी। विश ऑल द बेस्ट मैम, मैं उम्मीद करूंगा कि ये लास्ट अटेम्प्ट आपका और आपका लिस्ट में नाम आए। थैंक यू सो मच। होप गाइस वैल्यूएबल वीडियो लगी हो, कैसी लगी कमेंट करके बताएं।